ये कहानी है राधेनगर नाम के गांव में रहने वाली बुढ़िया मंजू की। मंजू के पास मुर्गियों की पोल्ट्री है। मंजू का पति पोल्ट्री फार्म चलाता था। उनके देहांत के बाद वो पोल्ट्री फार्म मंजू का हो गया, लेकिन मंजू को पोल्ट्री फार्म के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पति जब जिंदा थे तब पोल्ट्री फार्म से ही घर चलाने का पैसा आता था, लेकिन मैं पोल्ट्री फार्म कैसे चलाऊं? एक के बाद एक मुर्गी मर रही है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां मर रही थीं और मंजू चिंता में थी। इतने में ठंड का मौसम आ गया और दबाकर ठंड पड़ने लगी। मंजू ठंड से कांपने लगी। लगता है इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और घर में खाने के पैसे नहीं है, क्या करूं? मंजू के घर के पास बेवड़ा मुकेश रहता था। उसे दारू पीने के लिए हर रोज पैसा चाहिए था, लेकिन उसकी बीवी पैसे नहीं देती थी, इसीलिए वो भी चिंता में था। इतने में उसने पोल्ट्री में मरी हुई मुर्गियों को देखा। अरे मंजू चाची की मुर्गियां तो मर रही हैं, क्यों ना इससे कुछ पैसे कमाए जाए। मुकेश मंजू के पास गया। मंजू ने कहा, क्यों रे बेवड़े मुकेश, यहाँ क्यों आया है? मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पता है चाची, आपके पास खाने के भी पैसे नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ मैं। मतलब क्या कहना चाहता है तू? आपकी मुर्गियां मर रही हैं, मरी हुई मुर्गियों से पैसे कमाना चाहती हो क्या? मरी हुई मुर्गियों से पैसे कैसे कमाऊं? कौन खरीदेगा मरी हुई मुर्गी? अरे चाची, हम दोनों मिलके मरी हुई मुर्गियों का सूप बेचते हैं ना, इतनी ठंड में गर्मा गर्म चिकन सूप सभी को पसंद आएगा। मंजू को भी पैसों की सख्त जरूरत थी। ये आइडिया सुनकर मंजू को बहुत अच्छा लगा। मुर्गियों को मारकर ही तो सूप बनता है, तो फिर मरी हुई मुर्गी का सूप बनाने में क्या हर्ज है? मंजू मान गई। आज एक ही मुर्गी मरी थी। मुकेश ने उसे काटा और फिर मंजू ने उसका सूप बनाया। चलो चाची, अब रास्ते पे जाकर बेचते हैं, शाम के वक्त बहुत अच्छा बिकेगा। मुकेश और मंजू रास्ते पर सूप बेचने के लिए चले गए। सूप पी लो सूप, गर्मा गर्म सूप, चिकन सूप पी लो। सर्दी में गर्मी चाहिए तो चिकन सूप पियो, पेट भर के पियो, मन भर के पियो, आओ आओ। ये सुनकर लोग सूप पीने आने लगे। अरे वाह, सूप तो बहुत बढ़िया है, घर के लिए दो कटोरी सूप बांध दो भाई। इसी तरह दो घंटे में सूप बिक गया। मुकेश और मंजू को 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अरे वाह बेवड़ा मुकेश, मैं तो तुझे बुद्धू समझती थी, लेकिन तू तो अकलमंद निकला। एक दिन में 2,000, ये ले तेरे 1,000 रुपए। अरे मंजू चाची, दारू के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आज तो देसी की जगह इंग्लिश पीऊंगा। ये बोलकर मुकेश चला गया। बहुत दिनों बाद मंजू ने पेट भर कर खाना खाया और मुकेश ने जी भर कर दारू पी, और मुकेश दारू के नशे में धुत होकर घर चला गया। उसकी बीवी पल्लवी ने गुस्सा होकर कहा, नामर्द, तू फिर से दारू पीकर आए है? ए, चुप, मैं चाहे जो मर्जी करूं, तुझे क्या? मुझे क्या, पैसे तो मैं ही कमाती हूँ ना इस घर पर, लेकिन आज तो मैंने तुझे पैसे नहीं दिए। फिर मैंने खुद कमाया है, मैं मेरे पैसों से कुछ भी कर सकता हूँ, चुपचाप रह, नहीं तो लात मार के घर से भगा दूंगा। ये बोलकर मुकेश खाना खाकर सो गया। पल्लवी हैरान हो गई, इस नल्ले ने खुद कमाया है कैसे? पल्लवी सोच में पड़ गई। अगले दिन फिर से मंजू की एक और मुर्गी मर गई और दोनों ने मिलकर फिर से मरी हुई मुर्गी का सूप बनाकर बेचना शुरू किया। आज और ज्यादा लोग आए और उन्हें और ज्यादा कमाई हो गई। मंजू ने खाना खाया और मुकेश ने और महंगी दारू पी ली और घर जाकर अपनी बीवी को मारने लगा। ऐ चुड़ैल, सुन मेरी बात, अब से मुझे चाहिए फुल इज्जत, मैं हूँ इस घर का मर्द, समझ गई? नहीं तो ऐसे ही मार खाती रहेगी। पल्लवी मार खाने लगी। पल्लवी की 3 साल की बेटी ये देखकर कहने लगी, माँ आपको पापा रोज क्यों मारते हैं? वो कुछ नहीं बेटी, तू जा, ये सब मत सोच। लेकिन पल्लवी खुद सोच में पड़ गई, अगर ऐसे वो रोज मुझे मारने लगे तो मेरी बेटी पर इसका क्या असर होगा? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती, मुझे जानना पड़ेगा कि वो पैसे कैसे कमा रहे हैं। ऐसे दिन बीतने लगे और कभी न कभी तो पोल्ट्री की मुर्गियां खत्म होनी थी। 1 महीने बाद सारी मुर्गियां खत्म हो गई। मंजू को पैसों की लत लग गई थी। अब क्या होगा, मुर्गियां भी खत्म हो गई, अब किसका सूप बनाऊं मैं? मुकेश भी सोच में पड़ गया। हाँ चाची, अब किस चीज का सूप बनाए? इलाके में हम चिकन सूप के नाम से फेमस हो गए हैं, अब दूसरा कुछ बेचने जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। दूसरा कुछ बेचने के लिए दूसरे सामान भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा? सारे पैसे तो मैंने खाने पीने और नई नई चीजें खरीदने में ही खत्म कर दिए। मैंने भी सारा पैसा दारू पीने में खत्म कर दिया।
दोनों बैठकर सोच ही रहे थे कि तभी आंगन में एक कबूतर आकर बैठा। मंजू चाची, वो देखिए कबूतर। हाँ तो कबूतर से क्या होगा? कबूतर से सूप बनाएंगे और क्या। मुर्गी और कबूतर के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। मंजू को पैसा चाहिए था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मुकेश ने कबूतर को पकड़ लिया और मंजू ने कबूतर का सूप बनाया और बाहर बेचने के लिए चले गए। लोगों को घंटा समझ नहीं आया। अरे आज तो सूप ज्यादा टेस्टी है, क्या डाली हो इसमें चाची? कुछ नहीं बेटा, बस प्यार है मेरे हाथों का। लेकिन उस आदमी को सूप पीते हुए कबूतर की चोंच मिली। अरे ये क्या, मुर्गी का इतना छोटा चोंच, ये तो कोई पंछी का लगता है। बात को तुरंत घुमाने के लिए मुकेश ने कहा। अरे नहीं साहब, ये तो मुर्गी का बच्चा है, वो पोल्ट्री है ना हमारे पास। अच्छा तब ठीक है। उन दोनों का व्यापार अच्छे से जम गया था, दिन ब दिन कमाई बढ़ रही थी। मुकेश हर रोज 2-3 कबूतर पकड़ता था और मंजू सूप बनाकर बेचती थी, और मुकेश हर रोज दारू पीकर पल्लवी को मारने लगा। और ऐसे ही पल्लवी गुस्सा हो गई। एक दिन पल्लवी ने मुकेश का पीछा किया और देखा कि मुकेश कैसे कबूतर पकड़कर सूप बनाने में मदद करता है। अच्छा तो ये बात है, चिकन सूप के नाम पर कबूतर सूप बेच रहे हैं ये लोग, और उन पैसों से दारू पीकर मुझे मार रहा है ये दरिंदा। ठीक है, इन लोगों का भंडा फोड़ना पड़ेगा। पल्लवी के पास फोन था, उसने सब कुछ वीडियो में कैद कर लिया और उसी दिन वो आदमी गुस्सा होकर मंजू और मुकेश के पास आया। तुम लोगों का सूप पीकर मेरे घर वालों की तबीयत खराब हो गई है, कुछ दिनों से देख रहा हूँ मुर्गियों की लेग पीस भी बड़ी कमजोर हो गई है, किस चीज का सूप बना रहे हो तुम लोग? क्यों, चिकन का सूप। और तभी वहाँ पल्लवी आ गई। नहीं, ये लोग चिकन का सूप नहीं बनाते हैं, ये लोग कबूतर का सूप बनाते हैं। क्या, ये क्या बोल रही हो पल्लवी, चुप रहो वरना मार खाओगी। पहले तुम तो मार खा लो, ये देखिए वीडियो। पल्लवी ने सभी को वीडियो दिखा दिया, सभी गुस्सा हो गए और दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। मंजू ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इसका प्लान था। अच्छा बुढ़िया, अब खुद भागना चाहती है, इन दोनों को मारो। पब्लिक ने दोनों की जमकर पिटाई की और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पल्लवी को अपने अत्याचारी पति से छुटकारा मिल गया और वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन दयाराम के लिए सिर्फ यही मुसीबत कम नहीं थी, उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अपनी बूढ़ी कपकपाती हाथों से जब उसने कफन उठाकर देखा तो जोर जोर से रोने लगा। सामने दयाराम के जवान बेटे और बहू की लाश रखी हुई थी। खेत में मजदूरी कर रहे उसके बेटे और बहू बिजली का करंट लग जाने के कारण खेत में ही तड़प तड़प कर जान गंवा बैठे थे। हे भगवान, ये तूने हम गरीबों के साथ कैसा अन्याय किया है, तुझे हमारी तकलीफें दिखाई नहीं देती है क्या, जो तूने ऊपर से इतना बड़ा दुख भी दे दिया, अब मैं इन बच्चियों को अकेला कैसे पालूंगा। दयाराम की 3 पोतियां थी, जिनमें से बड़ी पोती सोनी 6 साल की और मझली पोती मोनी 5 साल की थी, और सबसे छोटी पोती चुनमुन तो अभी 6 महीने की थी। दुधमुही चुनमुन को तो पता भी नहीं था कि उसके माता पिता अब लौट कर कभी नहीं आएंगे। बेटे और बहू की मौत के बाद तीनों पोतियों की जिम्मेदारी दयाराम पर ही आ गई थी। सहारे के नाम पर दयाराम के पास एक गाय थी जिसका नाम यमुना था। दयाराम यमुना का दूध बेचकर अपना और अपनी तीनों पोतियों का गुजारा किसी तरह से चला पा रहा था। एक दिन दयाराम के पास साहूकार का आदमी आया। अरे दयाराम, तेरे बेटे ने साहूकार से कर्जा लिया था, तेरा बेटा नहीं रहा तो अब साहूकार का कर्जा नहीं चुकाएगा क्या? कर्जा, कौन सा कर्जा, मुझे तो कर्जे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता कैसे चलेगा, पैसे जो देने पड़ेंगे, तेरे बेटे ने ये घर बनवाने के लिए 10,000 रुपए लिए थे। लेकिन मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है, साहूकार जी से कहना कि थोड़े दिन और रुक जाएं, मैं धीरे धीरे करके उनका कर्जा चुका दूंगा। दयाराम के कहने पर साहूकार का आदमी वहाँ से चला गया। दयाराम के पास रहने के लिए एक कमरे का पक्का मकान था, जिसमें वो अपनी तीनों पोतियों के साथ रहता था। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। जनवरी का महीना आ चुका था, दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी, सूरज ने अपना चेहरा दिखाना भी बंद कर दिया था। एक दिन साहूकार खुद दयाराम के घर आ धमका। अरे दयाराम, 1 महीना और गुजर गया लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए, तुम लोगों के साथ थोड़ी नरमी क्या दिखा दी, तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो, ला मेरे पैसे निकाल, पूरे 10,000 रुपए। बेचारा दयाराम साहूकार के आगे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि बेटे और बहू के जाने के बाद तीनों पोतियों की जिम्मेदारी मेरे बूढ़े कंधों पर आ गई है,
दूध बेचकर भी दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। सर्दियाँ गुजर जाने दो मालिक, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। क्यों, सर्दियाँ बीत जाने के बाद तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या है? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो तुझे अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा। दयाराम रोते हुए साहूकार से बोला, ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं अपनी छोटी छोटी पोतियों को लेकर कहाँ जाऊँगा? इतनी ठंड पड़ रही है, मैं कहाँ सर छिपाऊंगा? लेकिन साहूकार पर तो दयाराम की बातों का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपने आदमियों से कहकर दयाराम के घर से उसका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया और उसकी तीनों पोतियों को घर से बाहर निकाल दिया। सोनी और मोनी अपनी दुधमुही बहन चुनमुन को गोद में लेकर सड़क पर आ गए और साहूकार ने दयाराम के घर पर अपना ताला लगा दिया। दादाजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, साहूकार जी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्या हम अब अपने घर में कभी नहीं जा सकेंगे? हे ऊपर वाले, अब मैं इस दूध मुही बच्चे की कैसे रक्षा करूं? इतनी ठंड में कहीं इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। तू बहुत निर्दयी है भगवान, हम गरीबों की तो कभी नहीं सुनता। तभी दयाराम की सबसे बड़ी पोती सोनी ने कहा, दादाजी साहूकार जी ने हमसे हमारा घर छीन लिया तो क्या हुआ? हम लोग मिलकर अपना घर बनाएंगे। अपना घर? सोनी बेटा, अपना घर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। दादाजी, हमें पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम सब मिलकर फूस और बांस से अपना घर बना लेंगे। ठीक है सोनी बेटा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दयाराम और सोनी मिलकर पूरे गांव में घूम घूम कर फूस और बांस इकट्ठा करने लगते हैं। जब उनके पास काफी सारे फूस, टूटे बांस और टूटी फूटी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गयी तो गाँव के बाहर उन्होंने अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया। इस बीच सभी बारी बारी से चुनमुन का ख्याल रखते। कुछ देर की मेहनत के बाद उनका फूस का घर तैयार हो गया था। चारों उस घर में रहने के लिए चले गए और अपनी गाय यमुना को अपनी फूस की टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बांध दिया। रात में खाना खाकर जब चारों सोने लगे तब मोनी ठंड के मारे रोने लगी। मत रो मोनी बेटा, कुछ ही दिनों की बात है, ये ठंड का मौसम तो गुजर ही जाएगा। लेकिन दादाजी, हमारी झोपड़ी में तो बहुत ज्यादा ठंड है, बाहर की ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे मेरी जान ही चली जाएगी। दरअसल फूस की झोपड़ी होने के कारण झोपड़ी में जगह जगह पर छेद थे जिससे होकर बर्फीली हवा झोपड़ी के अंदर आ रही थी। तभी सोनी ने मोनी से कहा, मोनी बस आज रात की बात है, आज रात किसी तरह से सोचा, कल इस ठंड का भी कुछ इंतजाम करेंगे। किसी तरह से चारों ने रात गुजारी। अगली सुबह, दादाजी हमारी यमुना जो गोबर देती है ना, वो हमारे बड़े काम की है, उस गोबर से हम अपनी फूस की झोपड़ी को चारों तरफ से ढक देंगे और हम अपने घर को गोबर का घर बना देंगे जिससे बर्फीली हवा हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। और सोनी ने अपनी गाय यमुना के गोबर को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गोबर में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया और अपने नन्हे हाथों से अपनी फूस के घर पर गोबर से बना लेप लगाने लगी। सोनी के इस काम में दयाराम और मोनी भी उसकी मदद करने लगे। लेकिन सोनी दीदी, यमुना का गोबर तो बहुत थोड़ा सा है, हमारी पूरी झोपड़ी के लिए गोबर का लेप कम पड़ जाएगा। मोनी, हम गांव में घूम घूम कर गोबर इकट्ठा कर लेंगे, कई जगहों पर और सड़कों पर गाय की गोबर पड़ी होती है, वो गोबर हमारे बहुत काम आएगी, इस काम में तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। और दोनों बहनें एक एक टोकरी उठाकर गोबर की तलाश में निकल पड़ती हैं। उन दोनों ने पूरे गांव में घूम घूम कर सड़कों पर पड़े गोबर को अपनी टोकरी में इकट्ठा कर लिया और उसे लेकर घर आ गईं। दादाजी, अब हमारे पास बहुत सारा गोबर इकट्ठा हो गया है, इस गोबर से हमारा गोबर घर बनकर तैयार हो जाएगा। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों, तुम दोनों ने आज बहुत मेहनत और बुद्धिमानी का काम किया है, तुम्हारी वजह से हम सभी ठंड से बच पाएंगे। दादाजी, हम सभी मिलकर आज ही अपने घर को गोबर का बना देंगे। सोनी ने सभी गोबर में थोड़ी मिट्टी और थोड़ा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया। तीनों मिलकर अपने घर के बाहर दीवार पर गोबर का लेप लगाने लगे। शाम तक उन तीनों ने पूरे घर में गोबर का लेप लगाकर तैयार कर लिया था और इस तरह दयाराम का गोबर का घर बनकर तैयार था। वे सभी अपने गोबर के घर को देखकर बहुत खुश थे। रात में सभी ने मिलकर खाना खाया और सोने लगे। दीदी, गोबर का लेप लगाने के बाद अब हमारा घर कितना गर्म हो गया है ना, अब घर के अंदर ठंडी हवा भी नहीं आ रही है। ये सब सोनी के दिमाग का कमाल है। नहीं दादाजी, ये सब हमारी यमुना के कारण हो सका है, अगर यमुना हमारे साथ नहीं होती तो शायद मैं गोबर का घर बनाने के बारे में नहीं सोच पाती। यमुना के गोबर के कारण ही हम सब गोबर घर में रह रहे हैं,
क्यों ना हम यमुना को भी अपने गोबर घर के अंदर ले आएं? बेचारी यमुना को बाहर ठंड लग रही होगी। हाँ सोनी, हम यमुना को भी अपने गोबर घर में रखेंगे। दयाराम बाहर जाकर अपनी गाय यमुना को भी अपने गोबर घर के अंदर ले आता है। दादाजी, हमारा गोबर घर तो दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और इसे बनाने में हमारे पैसे भी खर्च नहीं हुए। हाँ मोनी बेटा, हमारा गोबर का घर पूरे गांव में सबसे अलग है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस गोबर से उपले बनाते हैं उसी गोबर से हम घर भी बना सकते हैं और वो भी बिना पैसे खर्च किए। दादाजी, हमारा गोबर घर गांव के सभी घरों से अच्छा और सुंदर है। तीनों आपस में बातें करते हुए अपने गोबर घर में सो जाते। दूसरे दिन गांव से आने जाने वाले लोगों ने दयाराम का गोबर घर देखा और आपस में बातें करने लगे। धीरे धीरे दयाराम के गोबर घर की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। यहां तक कि दूर दूर से लोग दयाराम का गोबर घर देखने के लिए आने लगे। एक दिन दयाराम के घर पर एक आदमी आया। दयाराम जी यही रहते हैं क्या? हाँ, लेकिन आप कौन है? मैं शहर से आया हूँ। सरकार को इस बात की खबर लगी है कि आप लोगों ने गोबर से घर बनाया है। सरकार गांव में गरीबों के रहने के लिए गोबर के घर बनवाना चाहती है। इसके लिए सरकार को आप लोगों की मदद की जरूरत है। इस काम के लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे। ये सुनकर सोनी बहुत खुश हो गई और उसने अपने दादा दयाराम को सारी बात बताई। अरे भाई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम अपनी तरफ से सरकार की पूरी मदद करेंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से दयाराम के गाँव के अलावा दूसरे गांवों में भी गोबर का घर बनाया जाने लगा, जिसमें दयाराम, सोनी और मोनी तीनों ने अपना पूरा योगदान दिया। सरकार ने कई घूमने फिरने की जगहों पर भी सैलानियों के ठहरने के लिए गोबर के घर बनवाए और ये सारे काम दयाराम, सोनी और मोनी की देखरेख में किए गए। इस काम के लिए उन्हें सरकार की तरफ से अच्छे पैसे भी दिए गए। सोनी बेटा, तेरे गोबर घर के आइडिया ने तो हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी हैं। लोग हमसे गोबर घर बनवाने की डिमांड लेकर आने लगे हैं। अब हमारी गरीबी के दिन भी दूर हो गए हैं। दादाजी, ये सब तो यमुना की वजह से हुआ है। यमुना नहीं होती तो हम गोबर का घर बनाने के बारे में कभी नहीं सोच पाते। तीनों मिलकर यमुना को ढेर सारा प्यार करते हैं और अपने गोबर घर में आराम से रहते हैं।